हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मलिक। और भाई कुछ दिन पहले यहाँ पर 19th ऑफ मे को, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया था CUET PG के रिगार्डिंग, CUET PG एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। वहां पर अपने को अच्छी खासी एक हिंट मिल गई है कि आपके जुलाई 3rd वीक में जाकर एग्जामिनेशन होने वाला है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपका 19th ऑफ मे से 18th ऑफ जून के बीच में वो पीरियड है। अब यहां पर हम बात करते हैं आज कि भाई अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप मास्टर्स इन फिजिक्स करना चाहते हो तो CUET PG एग्जाम के थ्रू आप किन किन यूनिवर्सिटीज में जाकर यहां पर MSc फिजिक्स कर सकते हैं, तो वो चीजें हम यहां पर अभी देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। स्पेशली आपके मन में जरूर कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम होंगे जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, आपका BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इनके बारे में स्पेशली आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये जो बहुत बड़े बड़े नाम है क्या ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस चीज पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर है, ठीक है, फॉर फिजिक्स कैंडिडेट्स वो है 27। 27 यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पर एक फिजिक्स कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर रैंक, बेस्ड ऑन योर स्कोर, यहां पर आपका प्रेफरेंस वाइज आपका एडमिशन हो रहा होगा इन 27 में से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी है कौन कौन सी, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पूरी लिस्ट आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, एंड सो एंड सो ऑन। पूरी की पूरी एक लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आराम से पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से देख लो, ठीक है, कि कौन कौन सी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है एंड आपको इनमें से कौन कौन सी नोन है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस सोच समझ के भरनी है, ठीक है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो एक बनाई जाएगी। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ बड़े नाम आपने यहाँ पर जरूर देखे होंगे जैसे कि JNU एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका BHU, ठीक है, JNU एंड BHU। और अगर आपने गौर करा हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था, यहाँ पर DU का नाम नहीं था, ठीक है। और ये जो 27 यूनिवर्सिटी आपको दिखाई गई, सिर्फ और सिर्फ यही इस साल CUET PG में पार्टिसिपेट करने वाली है और कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है, एंड इट इज फिक्स्ड एंड फाइनल, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने देखा यहाँ पर DU नाम प्रेजेंट नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल सिर्फ और सिर्फ अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन दिला रही है, यहाँ पर CUET PG एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, इन मास्टर प्रोग्राम। तो ये थी भाई यहाँ पर आज की अच्छी इन्फॉर्मेशन। एंड ये जो 27 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने बात करी, उन्हीं को आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। एंड सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो CUET के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए, हर एक चीज आपको इसी अपने YouTube चैनल पर मिलने वाली है, IIT JEE Physics पर। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं गाइस लाइव नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।